Good morning friends, welcome to Nifty analysis from tradingfab.in. today 27 July Friday है, हफ्ते का last trading session है और नए derivative contract का पहला दिन है। तो आज Nifty में क्या होगा, सबको तो सबसे पहले congratulations, Nifty ने all time high level achieve किया है। global market के हालात पर नजर डालेंगे, फिर जाएंगे निफ्टी के चार्ट के ऊपर, इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाएंगे और बैंक निफ्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है बैंक निफ्टी का, वो भी देखते हैं। तो डाउ जोन्स, नासडैक, अमेरिकी मार्केट में कुछ कल मिला जुला कारोबार दिखाई दिया। डाउ जोन्स 112 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन नासडैक 80 पॉइंट के साथ गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट में हल्की सी मजबूती दिखाई दी और जब आज एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज मार्केट, चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट ग्रीन कलर में अभी ट्रेड कर रहे हैं। फिलहाल ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में मिला जुला कारोबार इस समय दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर भी हल्के से बढ़त के साथ, 12 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी भी अभी फिलहाल हल्की सी बढ़त के साथ ग्रीन कलर में ट्रेड कर रहा है, हरे निशान में है। तो ओवरऑल मिला जुला कारोबार है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का आज पहला दिन है, तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी अभी कल निफ्टी ने जो ऑल टाइम हाई अचीव किया, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी यहां पर ऑल टाइम हाई अचीव करे। ये वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का। अगर आप देखें लास्ट हाई जो बैंक निफ्टी ने बनाया था वो 27652 का था और अभी फिलहाल बैंक निफ्टी 27406 के पास है। तो ऊपर में जो ये लास्ट ऑल टाइम हाई बना है 27652, ये एक रेजिस्टेंस का काम भी कर सकता है और एक ब्रेकआउट का भी काम कर सकता है। अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर की तरफ और सस्टेन करता है 10-15 मिनट के चार्ट में, तो हमें 28,000 के भी लेवल्स दिखाई दे सकते हैं अगर यहाँ पर निफ्टी ने ये लेवल ब्रेकआउट किया तो, क्योंकि लास्ट ऑल टाइम हाई हालांकि एक रेजिस्टेंस का काम करता है, वहाँ पर निफ्टी पहुँचने के बाद एक थोड़ा करेक्शन आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो हो सकता है निफ्टी 27650 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करे, थोड़ा सा करेक्शन आए और फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट दे। तो ओवरऑल जो वीकली चार्ट में स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बुलिश है। वीकली चार्ट में भी हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, यानी क्या, लास्ट वीक के हाई के ऊपर इस वीक का हाई है और लास्ट वीक के लो के ऊपर इस वीक का लो बना हुआ है। तो ये बुलिश पैटर्न है, हमें अपवर्ड मूवमेंट और भी दिखा सकता है। तो वीकली चार्ट में, लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में स्ट्रक्चर जबरदस्त बुलिश बना हुआ है बैंक निफ्टी में। डेली चार्ट में चलते हैं बैंक निफ्टी के। यह है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट में ध्यान से देखें तो ये कंसोलिडेशन जो फेज था इस एरिया का, जो ये कंसोलिडेशन फेज था, उसका ब्रेकआउट मिल गया है। ऊपर में जैसे मैंने वीकली चार्ट में कहा कि हो सकता है कि ऑल टाइम हाई का जो लेवल है वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, लेकिन अगर यहां पर आप ध्यान से देखें तो यहां पर एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है जिसका नाम है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। यह है लेफ्ट शोल्डर, यह है हेड और यह है राइट शोल्डर। तो जैसे कि इस पैटर्न का जो नेक लाइन है, ये जो नेक लाइन है उसका यहां पर ब्रेकआउट मिला है। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश पैटर्न है जहां से अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो यहां से जो नेक लाइन का ब्रेकआउट मिला है तो हो सकता है निफ्टी और भी ऊपर जाए, लास्ट जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो भी ब्रेक करे और नई हाई लेवल हमें अचीव करती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर ऊपर में अगर रेजिस्टेंस फेस करता है ऑल टाइम हाई का 27650 का, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाकर एक थोड़ा करेक्शन दिखाए और फिर ये नेक लाइन का सपोर्ट एज अ सपोर्ट टेस्ट करके फिर से ऊपर की तरफ मूव करे। तो ये ऐसी प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ही हो सकता है ये कहा नहीं जा सकता, देखना होगा। जैसे हमने पहले भी निफ्टी, अगर हमारे पिछले वीडियोस देखे आप, तो हमने कहा था वहां पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, नेक लाइन ब्रेकआउट होगा तो और अपसाइड दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह से भी यहां पर एक प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी और भी ऊपर की लेवल अचीव कर सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी का सिनेरियो डेली और वीकली चार्ट का।
चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनानी है। वीकली चार्ट से शुरू करेंगे, आज हफ्ते का लास्ट दिन है और नए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट दिन है। तो निफ्टी में कल हमने देखा कि ऑल टाइम हाई क्लोज प्राइस हमने अचीव किया। निफ्टी कल 11167 के पास क्लोज हुआ है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल ड्रॉ करके रखी है, तो अभी 138.2% का लेवल 11214 पे आ रहा है। तो निफ्टी ने कल 123.6 का लेवल अचीव किया और उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो हो सकता है आज 11214 की लेवल भी अचीव हो जाए। तो स्ट्रक्चर निफ्टी में बुलिश बना हुआ है। हम कई पिछले वीडियोस अगर आप देखें तो कहते आ रहे हैं कि वीकली चार्ट में स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है, कोई भी करेक्शन आता है तो वहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। तो अभी फिलहाल ऑल टाइम हाई है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, तो कॉशियसली ट्रेड करें, ध्यान रखें। डेली चार्ट पे चलते हैं, डेली चार्ट में भी सिनारियो बुलिश बना हुआ है। देखना होगा कि 138.2% का जो लेवल है 11214 वो आज अचीव होता है या नहीं। हो सकता है इसके आसपास निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए और फिर एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, ठीक है। तो इंट्राडे स्ट्रैटेजी के लिए 60 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर हमें प्रॉपर पिवट पॉइंट के लेवल के हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं हम। तो चलते हैं 60 मिनट के चार्ट के ऊपर। यह है 60 मिनट का चार्ट। कल जैसे कि हमने कहा था, जो लेवल्स दिए थी वो लेवल्स ब्रेक होने के बाद निफ्टी ने टारगेट भी अचीव किया 11178 का, और उसके ऊपर नहीं जा पाया, 11178 के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। तो हमने हरी कल जो लेवल्स थी टारगेट और ब्रेकआउट की, वो एग्जैक्ट एक्यूरेट साबित हुई। तो आज अगर हमें बाय पोजीशन बनाना है, तो कल का अगर हाई ब्रेक होता है तो उसके तुरंत ऊपर R1 का रेजिस्टेंस लेवल है। तो निफ्टी को 11193 के ऊपर क्लोज होने दे 10 या 15 मिनट के चार्ट में, कंफर्टेबली सस्टेन होने दे, तो ही बाय करें। और ऊपर में टारगेट होगा 11219 का, फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट 11253 का। अगर निफ्टी साउथ की तरफ मूव करता है, तो ये लो, कल का जो लो बना है 11125 का, वो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी है। उसके आसपास ही सपोर्ट वन का लेवल आ रहा है 11133, और 20 EMA भी आ रहा है। तो ये यहाँ पर एक ब्रेक डाउन लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है, निफ्टी कल के लो के नीचे 10 या 15 मिनट के चार्ट में सस्टेन करता है, तो ही अपनी इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाए, और 1199 का फर्स्ट टारगेट होगा, 1199 का फर्स्ट टारगेट होगा अगर निफ्टी टूवर्ड साउथ 11133 का, और ये कल का लो जो है 11125 के नीचे 10 या 15 मिनट के चार्ट में सस्टेन करता है तो, ठीक है। तो ये है हमारी अपवर्ड और डाउनवर्ड अगर मूव होता है तो निफ्टी इंट्राडे स्ट्रैटेजी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।